मैं छोटा था तब कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो माँ बाप दिक्कत नहीं देते थे। किसी को क्रिकेट का शौक है अकेडमी में डाल दिया, किसी को फुटबॉल का शौक है अकेडमी में डाल दिया, यहाँ तक कि स्केटिंग की भी अकेडमी होती थी, जिसे एक लाइफ को ज्यादा सीरियसली लेने वाला बुड्ढा और उसका बच्चा द स्केटिंग प्रोडिजी साथ में डोनेशन पे चलाते थे। लेकिन भैया हम तो बचपन से अजीब है, हमें पसंद थी गेमिंग, ई स्पोर्ट्स। दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग की अकेडमी है, लेकिन मैं कहाँ जाके मरूं? ना यहाँ कोई अकेडमी, ना ट्यूशन, ना ट्यूटर, यहाँ पर सिखाने को सिर्फ एक गेमिंग पार्लर वाले भैया थे जो मेरे पैसों पर पूरा टाइम खुद ही खेल जाते थे। खैर अब समय बदल चुका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी बिग बैंग के साथ कोलैब करके इंडिया की सबसे पहली गेमिंग और ई स्पोर्ट्स एजुकेशन अकेडमी खोली है। रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हें मेरी बायो में मिल जाएगा और मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये कोई टाइम पास नहीं है, जो लोग सही में एक्चुअली में अपना करियर ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और भैया कंफ्यूज मत होना, ये स्कूल नहीं है, ये अकेडमी है, तो तुम्हारी जो पढ़ाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर उन दोनों को मैनेज करना भी सिखाएंगे। तो इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए क्या किया जाए, एक छोटा सा कंपटीशन खेलना होगा और जो टॉप गेमर्स होंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा ताकि उन्हें एक पढ़ा लिखा गेमर बनाया जा सके। और स्कॉलरशिप का भी सीन है, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि तुम एमपी से हो तभी तुम्हें इसमें सिलेक्ट किया जाएगा, तुम कोई भी स्टेट से इस पे रजिस्टर कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों है। और इस प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनो, तुम इसमें बहुत कुछ बन सकते हो, कॉन्टेंट क्रिएटर, गेम डिजाइनर, कास्टर, डेटा एनालिस्ट, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें गेमिंग से प्यार होना चाहिए। देखो यार हमारा बस यही एम है कि गेमर्स का फ्यूचर और ब्राइट, तो हमें तो उसी में खुशी मिलेगी। मैं